इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिएक्ट जेएस, व्हाट इज यूआई यूजर इंटरफेस, व्हाट डज एनपीएम डू इन जावास्क्रिप्ट, बेस्ट वेबसाइट विथ रिएक्ट जेएस, लर्न फर्स्ट रिएक्ट जेएस ऑफ नोड जेएस। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको इंटरेक्टिव यूआई वाले वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप बिल्ड करने के लिए बनाया गया था। रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे यूआई इंटरफेस बिल्ड किए जाते हैं। व्हाट इज जेक्वेरी लाइब्रेरी? जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो वेब डेवलपर्स को अपनी वेबसाइट में अतिरिक्त कार्यक्षमता जोड़ने की अनुमति देता है। यह ओपन सोर्स है और MIT लाइसेंस के तहत निःशुल्क प्रदान किया जाता है। हाल के वर्षों में जेक्वेरी वेब विकास में उपयोग की जाने वाली एक प्रसिद्ध जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बन गई है। अब प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज यूआई मतलब यूजर इंटरफेस क्या है? अपने उपयोग करने वाले डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो गेम, वो सभी डिवाइस जो आपसे निर्देश लेने के आपके अनुरूप काम करे उसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है। रिएक्ट इज यूज्ड टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब इसका शॉर्ट नेम है SPAS आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गिटहब एंड गूगल सर्विस आर ऑल बिल्ड यूजिंग द SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन टीच। रिएक्ट अलो यूज टू क्रिएट रीयूजेबल मतलब फिर से प्रयोग करने योग्य VI कंपोनेंट्स। बेसिक UI कंपोनेंट्स क्या होता है मतलब थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं UI को। इनपुट को कंट्रोल आपके ऐप के यूजर के इंटरफेस में इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स होता है। एंड्रॉइड आपके UI यूजर इंटरफेस में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंट्रोल प्रदान करता है जैसे कि बटन, टेक्स्ट फील्ड, बार, चेकबॉक्स, जूम बटन, टॉगल बटन और कई प्रकार के होते हैं। NPM क्या है? यह जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पैकेज मैनेजर है। इसकी फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर है। इसका उपयोग करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में Node.js को इंस्टॉल करना होगा जिसके साथ आपको कमांड लाइन क्लाइंट यानी NPM मिल जाएगा मतलब उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट में उन सभी पैकेज और टूल्स को आसानी से उपयोग कर सकें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप, फॉन्ट अवेसम और रिएक्ट VUE जैसे पैकेज को उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सभी को एक एक करके अपने प्रोजेक्ट में उसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए NPM का उपयोग किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में NPM क्या करता है? NPM नोड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म के लिए पैकेज मैनेजर है। यह मॉड्यूल को जगह देता है ताकि नोड उसे ढूंढ सके और मतलब भरोसा कॉन्फिडेंट को समझदारी से प्रतिबंधित करता है। यह विभिन्न प्रकार के उपयोग के मामलों का समर्थन करने के लिए अत्यंत व्यवस्था है। आमतौर पर इसका उपयोग नोड प्रोग्राम को पब्लिश करने, डिस्कवर, इंस्टॉल करने और विकसित करने के लिए किया जाता है। बेस्ट वेबसाइट एग्जाम्पल बिल्ड विथ रिएक्ट जेएस, फेसबुक, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, नेटफ्लिक्स, असाना और इंस्टेकार्ट, ड्रॉपबॉक्स, फ्लिपबोर्ड आदि। व्हाई डू वी नीड Node.js फॉर रिएक्ट? यू कैन डेफिनेटली यूज Node.js विथ रिएक्ट फ्रेमवर्क। इन फैक्ट Node.js इज नो टू बी द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग एंड रनिंग वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन बिल्ड ऑन रिएक्ट। द टू प्राइमरी रीजन फॉर द आर नोड यूज एंड नोड पैकेज मैनेजर आर NPM टू इंस्टॉल ऑल न्यू अपडेट एंड पैकेजेस। क्या मुझे Node.js या React.js का उपयोग करना चाहिए? यदि आप एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक जटिल लेकिन स्केलेबल सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो योर चॉइस इज Node.js टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विथ चेंजिंग स्टेटस लाइक डायनामिक इनपुट बटन एंड सो ऑन। React.js इज यूअर परफेक्ट मैच। आई लर्न फर्स्ट JS, React.js आर Node.js। React एंड नोड आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज दैट वर्क रियली विथ टुगेदर वेल टुगेदर। वे दोनों जावास्क्रिप्ट में लिखे और उपयोग किए जाते हैं, इस कारण से आपको पहले नोड का उपयोग शुरू करने से पहले जावास्क्रिप्ट को जानना चाहिए
बाद में रेक्ट जेएस। इज नोड जेएस हार्डर देन रेक्ट? रेक्ट नोड जेएस की तुलना में कठिन है। रिएक्ट और नोड जेएस दोनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। रिएक्ट एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसका उपयोग यूजर इंटरफेस बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर बैकएंड को विकसित करने के लिए नोड जेएस का उपयोग किया जाता है।